मैं तो पाओ पल छोड़ियो ना जाए, अब छल बल मोहे का करे, मोह आदि से दिए उड़ाए। मैं तो पाओ पल छोड़ियो ना जाए। हम सब सुंदर साधने किरंदन कितनी बार सुना है, आइए इसे समझते हैं थोड़ा सा। सन्मंद मूल को इन 400 साल में हमने कई परिवार बनाए होंगे, कई सगे संबंधी समझे होंगे, बनाए होंगे, लेकिन हमारा मूल क्या है? मूल समझते हैं सभी? जैसे एक वृक्ष होता है, उसका मूल क्या होता है? बीज। उसी छोटे से बीज में से वो सारा वृक्ष निकला होता है ना, ऐसे ही हमारा मूल क्या है? हमारा मूल क्या है? धनी। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? परमधाम में मूल मिलावा, मूल स्वरूप, वे मूल हैं हमारे। सन्मंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़ियो ना जाए। महामती कहती मेरे से एक पल के लिए भी ये नहीं छोड़ा जाता। यही भाव होना चाहिए हमारा, पाव पल छोड़ियो ना जाए। अब जब आप ऐसा करते हैं कि एक पल के लिए भी धनी को नहीं भूलते, जब अपने सन्मंद को, जो एकमात्र सन्मंद है, बाकी सब झूठ है, स्वप्न है, कितना मर्जी से सच मान लीजिए झूठ है। सरकार साहब कहते थे जब पति पत्नी को बैठा के, कहते सच का पति है कि झूठ का? कहते थे सच का ही पति है। कहते मरने के बाद एड्रेस देके जाएगा कि कोई समस्या हो तो यहां कांटेक्ट कर लेना, तो सच का कैसे हुआ? सत्य मतलब सदैव, सत्य मतलब अखंड, तो सच का तो कोई नहीं हुआ ना। सत संबंध जो है वो मूल से ही है, संबंध जो है हमारा धनी से ही है, और वो महामती कहती मुझसे पाव पल नहीं छोड़ा जाता। जब आप ऐसा करते हैं, एक पल के लिए भी उन राज्य को नहीं भूलते छोड़ते, तो अगला चरण घटित होता है क्या? अब छल बल मोहे का कहे। फिर ये कॉन्फिडेंस देखिए, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, छल का बल मेरा क्या करेगा? छल क्या? ये ब्रह्मांड माया, यही है ना छल। अब इसका बल मुझ पे नहीं चलता, क्योंकि मैं एक पल भी राज्य को छोड़ती नहीं, भूलती नहीं। जो भूलोगे तो बल चलेगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ होगी, ठीक है? जो राज्य को भूलोगे तो, राज्य के अलावा कुछ चाहिए बस वही कष्ट दे रहा है, नहीं तो कोई कष्ट नहीं है जीवन में हमारे। तो अब छल बल मोहे क्या करे, मोह आदि से दियोड़ा। मैंने इसका मूल से, प्रारंभ से ही काट कर फेंक दिया है। किसी वृक्ष को जड़ से काट दो सूख जाएगा ना। इस खेल की ताकत कितना ही विराट दिखता है, कितना शक्तिशाली लगता है। कहते सुंदर साहब अरे इतना दुख का पहाड़ गिरा है हम पे, आप क्या समझो? मूल से काट दो, झूठ है, स्वप्न है। हम तो मूल मिलावे में बैठे, वहीं बैठे खेल देख रहे हैं ना, सुरक्षित। और कौन सा खेल देख रहे हैं? लाड का, लाड से दिखा रहे तो उसका सब खत्म हो जाएगा। मैं कहावत हूं सुहागनी, जो बिरहा ना देऊं जीव। बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, बड़ा दुख की बात है लेकिन सच्ची बात है। महामती कहती मैं कैसी सुहागनी, मैं कहलाती तो हूं सुहागनी लेकिन मेरे अंदर विरहा नहीं है। एक पत्नी का अगर पति रात को ना लौटे कितनी परेशान होगी, 3-4 दिन ना लौटे कितनी दुखी होगी, और हम धनी के बिना कितने समय बिताते जा रहे हैं।
तो महामति कहती, मैं अपने आप को सुहागनी कहती हूँ, धिक्कार है, मैं कैसी पत्नी हूं जो पति नहीं है मेरे पास और मेरे अंदर दर्द भी नहीं है। होना चाहिए ना, या तो सुहागनी कहलाओ मत। अगर महामति कहती कहलाते हो तो विरह क्यों नहीं है। इसको मैं सरल भाषा में समझाऊं तो राज जी कह रहे हैं, तू मुझसे प्यार करती है, तू मेरी पत्नी है और तुझे मेरे ना होने का कोई दुख भी नहीं है, ये कैसी पत्नी है। नहीं समझना चाहिए ना इस बात को, हम कौन है राज्य की अर्धांगी, क्या दर्द है, क्या मिल गए राज्य, हाँ मिल गए राज्य सबको, क्या देख लिया धाम दुल्हा का मुख, फिर अगर नहीं मिले तो दर्द होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, रातों को तकिए गीले होने चाहिए ना। कहाँ हो धनिया, कब आओगे। श्री इंद्रावती जी ने तो कितना विरह किया ना खटरूती में, संबंध को नहीं समझ रहे हम। कितना स्पष्ट कह रही है, मैं कहावत हूं सुहागनी जो विरह न दो जीव तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख पीऊ। समझ आई है चपाई, कहती घर जाके कैसे राज्य को शक्ल दिखाऊंगी, आपके बिना कैसे थे, मस्त थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप नहीं थे पास। नहीं शर्म नहीं लगेगी। दो जन हैं प्रेम का दावा कर रहे थे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, कैसे फैसला अलग होते हैं, देखते हैं कौन किसके बिना नहीं जी पाता, कौन किसके लिए कितना तड़पता है। अलग हो गए, अब मस्त है। राज्जी कहते तेरा तो इतना बड़ा परिवार कुटुंब तूने जाने क्या क्या बना लिया है, मेरा तो तू ही है ना, ब्रिज में यही गलती करी थी ना कि तुम पर पुरुष और हम कुलवंती नारी, मेरा कुल है कुटुंब है, तुम पर पुरुष हो, यहां भी तो यही गलती कर रहे हैं, घर के चार सदस्य मेरे अपने हैं और धनी पराये हो गए। तभी तो चार सदस्य अगर घर तक जब तक ना लौटे तब तक तो चिंता है, लेकिन जो माशूक सेज ना आया उसकी कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। तो फिर महामती कहती परमधाम जाके अपने धनी को मुख कैसे दिखाऊंगी मैं, कि राज्य आपके से अलग होके मुझे कोई पीड़ा नहीं था, कैसा प्रेम है ये हमारा, कैसी हम सुहागनी है सुंदर साहब जी। अब महामती अपनी बात बताती हैं कि मेरा इस साथ तो क्या हुआ, हवसा में जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, मैंने तो इतना दर्द लिया, इतना बिरहा लिया कि मेरी आह भी सूख गई, रो रो के ना आंसू खत्म हो गए, सूख गए, और इतना दर्द लिया कि श्वास ने भी मेरा संग छोड़ दिया। कितना दर्द लिया होगा हफ्सा में, रोते रोते प्राण त्याग दिए इंद्रावती जी ने धनी के लिए। हमारे अंदर ये दर्द नहीं होना चाहिए सुंदर साहब जी, हम तो संसार की छोटी बड़ी छोटी सी उपलब्धियों में ही खुश हो रहे हैं, कुछ छोटा सा भी हो जाए तो नाचते फिर रहे हैं, लोगों को बताते फिर रहे हैं, और राज जी देख रहे हैं, दुखी हैं तो संसार के लिए, रो पिट रहे हैं संसार के लिए, पाठ पूजा कर रहे हैं संसार के लिए, कष्ट दूर हो जाए उसके लिए। लेकिन इंद्रावती जी कहती मैं इतना रोई राज जी के लिए कि मेरे श्वास भी निकल गए। इससे कम में बात नहीं बनेगी सुंदर साहब जी, और जब इतना दर्द लिया ना कि श्वास भी छूट गई राज जी के लिए, ये ऐसा ही है। एक बार संत को एक उनके के पास एक शिष्य आए और उन्होंने कहा परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, तो ये ना नहा रहे थे, कहते पानी के अंदर आओ, झील ना कर रहे थे, पानी के अंदर आओ, वे आ गए,
कहते शायद झीलना वगैरह करा के ना तो पवित्र करके फिर बताएंगे कि क्या कैसे मिलेंगे परमात्मा। उनको पकड़ के ना उनका सर नीचे डाल दिया पानी में, बड़े फड़फड़ाए, अरे छोड़ो 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 करके थोड़ी देर अंदर ही रखा, फिर जब निकाला कह रहे कैसा लगा, कह रहे अरे आप संत हैं कि पागल हैं, मेरी सांस निकल जाती है, ऐसा लगा मेरे प्राण निकल जाएंगे। कह रहे जब ऐसा लगने लगे ना परमात्मा के लिए तो मिल जाएंगे। कि तू नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे, इंद्रावती जी के निकल गए तो क्या हुआ फिर, जब ऐसा हुआ ना तब क्या हुआ, तब तुम पर्दा टाल के, पर्दा हटा दिया फौरन, कर्टेन हटा दिया राज जी ने, पर्दे के पीछे थे ना, कहीं दूर तो है ही नहीं, एकदम पर्दा हटाया माया का, दियो मोहे अपनो मन। कहते इंद्रावती क्यों विरह कर रही, मैं यही हूं तेरे सामने, कहीं दूर नहीं है, बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतर आए। महामती कहती मेरी पीड़ा देखो कि मैं आपसे अंग से अंग लगाकर बैठी हूं मूल मिलावे में, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जानो सनमंद कबू ना हो, तो कैसे कभी सनमंद भी नहीं था धनी, कितनी हालत हमारी खराब हो गई, कहां बैठे हैं मूल मिलावे में, राज्य से अंग लगा के, और स्थिति इतनी खराब है ऐसा लगता है जैसे पता नहीं सनमंद भी था कि नहीं था, मूल मिलावा परमधाम, ऐसे ऐसे प्रश्न कि परमधाम दिखता है क्या, वहीं बैठे हैं और वहां बैठे सोच रहे हैं क्या परमधाम दिखता है, पूछ रहे हैं राज्य को क्या हम देख सकते हैं, अरे देख रहे हो, उनके नेत्रों में तो इस खेल को देख रहे हो, थोड़ा सा खेल से ध्यान हटाओ, थोड़ा सा दर्द बिरा लो तो ये होगा नहीं आपके साथ कि पर्दा टालकर धनी अपने अंग देंगे मिलेंगे, नहीं सिर्फ इंद्रावती जी के लिए होना था ये, क्या हमारी और इंद्रावती जी का कोई औदा परमधाम में छोटा बड़ा है क्या, वाहिदत में बराबर नहीं है हम सब, हाँ के ना बराबर है ना, ये बात कभी सोची है, कभी महसूस की है कि हम बराबर हैं, फर्क कहाँ है रहनी में, फर्क कहाँ है दर्द में, औदे में कोई फर्क नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं राज जी तो नहीं मिल रहे, उनको सिर्फ राज्य चाहिए थे और कुछ चाहिए ही नहीं था तो मिल गए, हमें तो भी बहुत कुछ चाहिए बहुत कुछ करना है, राज्य चाहिए नहीं, कहां प्रायोरिटी में कहां है, आखिरी लिस्ट में कहीं नाम है जाकर, जो हमारी भी प्रायोरिटी इतनी क्लियर हो इंद्रावती जी की तरह, हमारे भी अंदर दर्द हो तो हमें भी राज्य पर्दा टाल के अपना स्वरूप श्रृंगार शोभा दिखाएंगे। और मैं राज्य के चरणों में प्रार्थना करूंगा और आप आशा करूंगा आप सबसे कि आपके अंदर वो दर्द हो और आपके साथ जीवन में भी ये भाग्यशाली पल आए कि आपको भी राज्य में राज पर्दा हटाकर अपने स्वरूप का दर्शन कराएं।